माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी कि 30 किलोमीटर ग्रामीण एरिया में और 15 किलोमीटर नगर पालिका एरिया में सड़कें नई बनाई जाएंगी। उसमें से आज पीडब्ल्यू एस सी साहब, एक्शन साहब या हमारे एक्जिम साहब बाजमा की मीटिंग ली इन्होंने, नगर पालिका के ईओ साहब सबने, उन्होंने एस्टिमेट बनाकर 5.5 किलोमीटर नगर पालिका में बनाई जाएगी और बाकी जो 10 किलोमीटर के आसपास की सड़कें हैं वो नसीराबाद सिटी में बनाई जाएगी। इससे पहले भी 10 किलोमीटर दी थी, उसमें भी नगर पालिका को काम कराने के बाद बच्चे जो नसीराबाद में डामीकरण के लिए दिए, अब डामीकरण को होगा पढ़ने वाला। और नई ये सड़कें जो माननीय मुख्यमंत्री ने दिए, आज उसकी मीटिंग थी, आज मीटिंग हुई सुबह 11 बजे एडीएम कार्यालय में और ये तय हुआ कि ये सड़कें जो मैंने दी लेटर पेड पे वो सड़कें नसीराबाद शहर की और बाकी सड़कें वहाँ नगर पालिका में बनाई जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा की थी। कलेक्टर साहब के आदेश हैं कि जल्दी से जल्दी, सीएम साहब ने आदेश दिए हैं, पूरे राजस्थान में दिए हैं, हमारे जिले में भी दिए हैं, हर नगर पालिका को दिए हैं कि जो बजट की घोषणा की है उसको कंप्लेंस करें फटाफट जल्दी से जल्दी, इसलिए चल रहा है कार्य। और भी कोई क्षेत्र के विकास कार्य कोई मांग की हुई आपने? विकास कार्य के लिए भी हमने लालचंद कटारिया जी कृषि मंत्री से मुलाकात करी थी। 3 तारीख को हमारी मीटिंग थी सीएम हाउस में, उस टाइम कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी और उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव, उनसे भी मुलाकात की थी हमने कॉलेज में विषय बढ़ाने के लिए। जो विषय हमारे यहाँ बालिका हितकारी स्कूल में है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल व्यापारिक में और केंट एरिया मेजर कमलेश में है, वो विषय कॉलेज में नहीं है। तो मैं देखता हूँ ये बच्चों का तालमेल ऐसा बैठे कि जो विषय यहाँ वो विषय वहाँ कॉलेज में हो जाए। मंत्री जी ने हाँ भरी, उच्च शिक्षा मंत्री जी ने, और कटारिया जी ने कहा कि पशु चिकित्सालय आपके कहाँ विधानसभा में नहीं है वो मुझे आप भेजिए, वो भी मैंने भेज दिए हैं और मैं आपको लिस्ट दे दूँगा सुबह उसकी, और जैसे पशु चिकित्सालय खोलने हैं, मतलब एक पशु महाविद्यालय की भी मैंने मांग करी है रामसर में खोलने के लिए। हमारे पास 1800 बीघा का कृषि फार्म है तो वो कृषि फार्म अभी काम नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा कृषि फार्म में यहाँ एक पशु महाविद्यालय खोला जाए।